कभी आपने दो सिर चार हाथ वाला बच्चा देखा है? जाहिर है नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे बच्चे से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पैदा होते ही सनसनी बन गया है। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या हॉर्मोन्स की दिक्कत, जो शाहीन बेगम का बच्चा कुछ इस तरह से पैदा हुआ। इस मासूम के दो सिर हैं, एक ऊपर की तरफ तो दूसरा ठीक 180 डिग्री के एंगल पर नीचे की तरफ, और चार हाथ हैं जो कि सिर की पोजीशन में कंधे से जुड़े हुए हैं। बच्चे की डिलीवरी होनी थी इसीलिए आए थे, और डिलीवरी हो गई है। बच्चा वहाँ मशीन में रखा है, उसका कह रहे हैं डॉक्टर कोई पैसा नहीं लेंगे, और बाकी जमा करवाया वो तो उन्होंने जमा करवा के ऑपरेशन होगा, अच्छा तुम्हारा ये आएगा वो बाद में जमा करना, थोड़े पैसे जमा करवा दिया। बच्चा मशीन में रखा हुआ है और उसके तो जैसे ये साइड से थोड़े जुड़े हुए हैं, और दो पैर हैं चार हाथ हैं, और उसके बाद दो सर हैं, तो उन्होंने जो है मशीन में रख दिया। ये अजीबोगरीब बच्चा शाहजहांपुर के सत्यानंद अस्पताल में पैदा हुआ है। दरअसल हरदोई की रहने वाली शाहीन बेगम को प्रसव पीड़ा होने के बाद उनके पति यासीन ने अस्पताल में भर्ती किया था, जहां डॉक्टरों ने इस बच्चे को पैदा करवाया। लेकिन बच्चे के पैदा होते ही उसे देखकर खुद डॉक्टर भी चौंक गए, क्योंकि ये मासूम तो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग था। इस बच्चे के जिस्म में दो सिर चार हाथ और दो टांगे हैं। जुड़वा बच्चों का था, ट्विंस थे। बाहर जब आए तब ये दो बच्चे आपस में जुड़े हुए थे। इसको सियामीज ट्विंस या कंजॉइंड ट्विंस बोलते हैं। तो इस बच्चे में दो सर हैं, चार हाथ हैं, दो पैर हैं, नाभि का एरिया कॉमन है, और नीचे कमर का हिस्सा दोनों बच्चों का कॉमन है। कोशिश करके बच्चों को रिवाइव कर लिया गया है, बच्चों की अभी स्थिति ठीक है। आगे बच्चों के सर्जन से बाहर के अस्पताल में, बड़े अस्पताल में राय ली जा रही है कि ऐसे में बच्चों के बचने की संभावना कितनी क्या रहेगी, वो हमें दोपहर तक पता चलेगा। इस वक्त बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में लोगों का तांता लगा हुआ है, हर कोई इस बच्चे को देखना चाहता है। वही पिता को समझ नहीं आ रहा है कि अब इस बच्चे की परवरिश कैसे की जाएगी। शाहजहांपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए आयेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।